नमस्कार दोस्तों, लमन द्रोपा है यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। पहले ही मैं सबसे पहले आपको यही बात बता देता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें, पूर्ण वीडियो देख के पूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप इसी विधि को करें। यह कार्य आप किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कर सकते हैं, किसी भी स्त्री पुरुष के लिए कर सकते हैं, अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं। बहुत ही शक्तिशाली वे कारगर विधि है और ये एक सरल टोटका भी है, आसानी से आप कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर आपको किसी को कुछ खिलाने पिलाने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। और अगर आपके जीवन में और भी परेशानियाँ चल रही हैं और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं तो भी मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब वह जाएँ, वहाँ आपको जीवन में जिस तरीके से आप अपने अनुभव के अनुसार आप अपने जीवन में सरलता के हिसाब से कोई उपाय ढूंढना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे, देख लीजिए कि आपके सामने एक यंत्र बना है, उसके ऊपर आयु लिखी हुई है और आपको नीचे नाम लिखना है उस इंसान का। उस इंसान की आपको फोटो ले लीजिए सर। आप सबसे पहले एक चकोर बनाएं जिसके अंदर तीन खड़ी रेखाएँ, दो आड़ी रेखाएँ, उसके अंदर जो संख्या अंकित करनी है वह 13 13 13 13, फिर आपको 21, फिर 11, फिर 21, फिर आपको 21, फिर लिखना है 89 89, फिर 75 65 11। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, एक बार पूरा ध्यानपूर्वक देख लीजिए, देख लीजिए और उस इंसान की फोटो। बस ये छोटा सा प्रयोग, एक चाहिए आपको दीपक और चाहिए गाय का कच्चा दूध, ये प्रयोग करने के लिए। अब किस दिन कर सकते हैं? अब इस कार्य को गुरुवार रात्रि को करें। गुरुवार रात्रि को काफ़ी उत्तम दिन रहेगा। गुरुवार रात्रि को करें, एक तेल का आप दीपक जला लें मिट्टी का। अब आपको इस यंत्र पर उसकी आयु और उसकी उम्र लिख लेनी है और बिल्कुल ऐसा ही यंत्र बना लेना है। याद रहे, इस यंत्र के नीचे आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, इसके पीछे भी आप अपना नाम लिख सकते हैं, उसकी तस्वीर के पीछे आपको जरूर नाम लिखना है। सबसे पहले आपको इसे इस तरीके से दूध के अंदर कच्चे दूध में डुबो देना है। उसके बाद आपको उसकी फोटो को भी ऐसे रख देना और फिर आपको इस दीपक को जलता हुआ इस तरीके से दीपक को रख देना। याद रहे, दीपक को इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से आप रख दें और मन ही मन आप आंख बंद करके उस इंसान के बारे में सोचें। सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है, 5 मिनट का अलार्म लगाकर सिर्फ और सिर्फ आप उस इंसान के बारे में सोचें, उसके चेहरे को याद करें, चेतना करें। किसी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंत्र जाप की आवश्यकता, आप उसका और अपना नाम लें और 5 मिनट के लिए आपको सोचें और उस दीपक को जलने दें और फिर पूर्ण रात्रि के लिए आप इसे ढक कर छोड़ दें। अगली सुबह क्या करना है आपको, अगली सुबह क्या करना है, इस दीपक को उठाएं और इस यंत्र को और इस फोटो को आपको, इन दोनों को आपको एकत्रित करके एक ताबीज़ में, छोटा सा ताबीज़ लें, चांदी का ले सकते हैं, किसी का भी तांबे का, उस ताबीज़ के अंदर आप सुखो कर इन्हें डाल लें। सुखाना है पहले, सूख जाए उसके बाद आप इसे डाल लें और इसे आप अपने कमर या अपने गले में डाल के रखें। वह इंसान आपके वशीपुत्र, यह जो दूध है इसे आप पीपल की जड़ों में विसर्जित करते हैं सकते हैं और या बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बस याद रखें, कहीं रास्ते में कहीं फेंके नहीं, नाली में कूड़े कचरे में नहीं फेंके। ये छोटा सा प्रयोग आपको उस इंसान के करीब ला देगा जिसे आप वशी। इसके अलावा अगर आपके जीवन कोई समस्या चले और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं तो कॉल पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए। इसके साथ आपसे जल्दी जो धन्यवाद।